वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा बढ़िया बात तो आप सुनाओ, कोई पूछो कोई बात पूछो तो बढ़िया रहे। इतनी बातें सुनते भागे संकल्प नहीं थी। यस्त मूर्तमो लोके यह प्रकृति परम गत लाभी तो सुख वेद दो सुखी आदमी दो ये तो अत्यंत मूर्ख है वो और एक प्रकृति से पार हो गया वो किससे तंत्र तो देना बीच में दुख पर कुछ नहीं जाने बता पति मुझकी पूरा जान गया तो जानना बाकी नहीं रहा अधूरी जानकारी तो हासिल हो गए भाई शंका भी हो गई क्या बात। आप लोग कोई
बढ़िया बढ़िया वही है आपके जिसकी आवश्यकता है, आपके हलचल है। जैसे प्यास लग जाए तो जल की जरूरत होती है, भूख लग जाए तो अन्न की जरूरत होती है। ऐसे किसी बात के सुनने की, समझने की, जानने की भूख लगी हुई हो, उसके बिना रहा न जाए, ऐसी बात हो छठ दम शील विदति बहुकर्मा। हाँ जी, इसमें विदति बहुकर्मा का क्या मतलब, कौन से भूत कामों के ऊपर में? बहुकर्मा मात्र में ज्यादा कर्म करने में दो कंपनी बनाने की चेष्टा नहीं की जाए क्या? ना, बहुकर्मा में तो सब बात आ गई, भजन स्मरण नृत्य नृत्य निरंतर सज्जन धर्म, निरंतर सज्जन धर्म क्या है? दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य देवी संपत्ति, जितने संतों के लक्षण हैं और संतों के जितने कारण है, कर्म है, उनकी क्रियाएं है, उनके भाव है, उसमें निरंतर रहे। संसार का काम करना है ये विस्तार नहीं, रजोगुण भीतर होता है तो राजसी काम करने की मन में आती है, काम बढ़ाता है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ लोभ होगा, ये करो यूं बैठे कैसे, कर्मणाम आरंभ, कर्मों का आरंभ नया नया किया जाएगा, नई नई फैक्ट्री खोलो, नए नए ये करो, उन्हीं का चिंतन को कैसे वैसे मिले कैसे मिले, ये नया अध्यक्ष बोली ये आरंभ है कर्म, एक लोभ एक प्रवृत्ति, लोभ प्रवृत्ति नाम तो बैठे चलो भाई ये प्रवृत्ति हो गई, आरंभ को होता है धन के लिए मान के लिए बढ़ाई के लिए, नए नए काम करो, नई फैक्ट्री खोलो, नया आरंभ करो, नई दुकान बनाओ, वहां बनाओ वहां बनाओ, आरंभ प्रवृत्ति आरंभ लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा और असम अशांति हृदय में हलचल थी अशांति, स्प्रिया जरूरत है, इतने जरूरत है, इतने खर्चे की जरूरत है, इतने कपड़ों की, इतनी गहनों की, इतने मकानों की, इतनी सवारी की, इतनी ये आवश्यकता है, इतने रुपये की जरूरत है, इसमें इतना रुपया लगेगा, इतने रुपये बहुत जरूरत है, जरूरतें जरूरतें दी थी रजस्यता जानते, ये क्यों हुआ है कि बीच में रजोगुण आया, ये रजोगुण की पहचान है, रजोगुण बढ़ता है तो ऐसी प्रत्यक्ष बात देखती कि इस पर कैसे काम चलेगा, बोलो मामूली काम है, मामूली पैदा लाख दो दस लक्ष लाख पैदा हुई क्या होगी, कुछ नहीं, बहुत थोड़ी वो लखपति बढ़ गया, वो करोड़पति बढ़ गया, वो ऐसा बढ़ गया, वो ऐसा बढ़ गया, अपने मन ये क्या है, रजोगुण का बुखार है, बुखार चढ़ गया ना, झाड़ा लगने गया बैठे बैठे झाड़ा लग गया बुखार चढ़ गया, ऐसा रजोगुण में बुखार चढ़ता है तो ये पैदा होती है, असम असम अशांति अशांति अशांति, कहीं भी जी नहीं लगता, कोई भी बात ठीक तरह संतोषजनक नहीं होती, क्या करे, काम भी बढ़िया नहीं होता है, पैदा भी ज्यादा नहीं हुई है, क्या करो, ऐसी बड़ी चिंता, लाखों रुपये पैदा होता है फिर भी चिंता बड़ी भारी, और सतोमन पर सर्व द्वारे से देश में प्रकाश हो जाते, सब परिणाम समझने की सुनने की बड़ी विलक्षण शक्ति आ जाती है, बात सुने वो समझ में आ जाती है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, सत असत निर्णय होता है, जैसे मैं बताई ये कर्म सापेक्ष है, ये कर्ण निरपेक्ष है, अरे आज कर्ण निरपेक्ष कर्म से क्या होता, कर्ण क्या होता, मानव जड़ता के सहायता से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे ये जची हुई है, प्राय भाई बनो जची है कि जड़ता के बिना चिन्मयता कैसे प्राप्ति होगी, शरीर से भी करो, वाणी से भी करो, मन से भी करो, कानों से भी सुनो,
जबान से भी बोलो, करो इन करना, इन करने से होगा। इस राम कर्म सापेक्ष करने से होता है ये कर्म सापेक्ष। अरे कर्म निर्देश क्या है? कुछ वगैरह कुछ मत करो, करना आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, निकमरना नहीं है। उस परमात्मा तत्व आत्म संस्तम मने कृत्वा न किंचित विचिन्ते, परमात्मा में स्थित रह कर फिर कुछ नहीं चिंतना। कर्म निरपेक्ष साधन की शुरुआत तो महाराज जी जैसे सुनने से होगी। हाँ। तो सुनना कर्ण सापेक्ष नहीं है क्या? तो कर्ण सापेक्ष तो होगा ही, पहले तो कर्ण सापेक्ष होगा। कारण के जितने दुनिया सब कर्म सापेक्ष में ही लगी हुई है, रात दिन धन कमाओ तो भोग भोगो तो सुख काम करो कर्म सापेक्ष। दुनिया मात्र की क्रिया है, सब कर्म सापेक्ष होती है। तो कर्म सापेक्ष में कर्म निरपेक्ष में जाओगे तो इसको छोड़ना भी पड़ेगा ना, छोड़ना भी तो करनी है, करना भी करनी नहीं तो सिर्फ कृत्य अर्थ न आकृति नहीं होगा स्तर में। ये करने के पीछे न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न चार से सर्वभूत कैसे दर्थ व्यापार से किसी प्राणी के साथ है, किसी स्वार्थ का किंचित मात्र भी संबंध में मस्त ही मस्त। ये बात समझ में नहीं आती। करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष दोनों ही हुआ तो अजय को सुनने से ही करण सापेक्ष ही हुआ ही नहीं। देखो बिना सुने भी होता है, पर अपने सुन करके समझ रहे की आदत पड़ गई। नींद कौन से करण सापेक्ष बताओ? अब कुछ मतलब कर्ण निरपेक्ष के साधन बिना कोई जी सकता नहीं, इतनी आवश्यक वस्तु है। भोजन कपड़ा कम ज्यादा हो जाए नींद में नहीं सकता। संसार के तो छूटता नहीं, मैं कहता हूं छोड़े बिना रह सकता ही नहीं, कोई जी नहीं सकता। संसार के छूटने से ही शांति मिलती है, नींद बिना कोई रह सकता है? क्या होता है? संसार याद नहीं रहता तो याद न रहने मात्र से शांति मिलती है, करने की देखने की सुनने की समझने की शक्ति आती है, और करने से शक्ति नष्ट होती। बोलो बिना सुने भी ऐसा आप फरमाते होता है ऐसा? मेन लेने के सुने उद्देश्य उद्योग कोई उद्योग किया तो नहीं किया, लेकिन वो जानेगा कैसे ये करण निरपेक्ष वैसे समझेगा कैसे? तो मैं कहूँ नींद कैसे करण सापेक्ष बताओ? नहीं तो आइए समझे, बिना जागृत अवस्था में सुसुप्ति इसका अनुभव कैसे होगा सुने बिना? हाँ सुने बिना अनुभव तो देखो अनुभव तो सुने बिना हो जाएगा, करण निरपेक्ष है इसका पता नहीं लगा। ये सुनने से सीख लोग कर्ण सापेक्ष करने में से सुनना पड़ेगा, और अनुभव तो बिल्कुल निरपेक्ष है। आपको कोई पूछे कि आप हो कि नहीं हो बताओ, नहीं? आप हो किस कर्ण से हो आप? आपका होना पर कौन से कर्ण से है बताओ? मन से है, बुद्धि से है, इंद्रिया से है, अहंता से है, हाथों से है, पैरों से है, कान से है, नाक से है, त्वचा से है, जीव से है, किस है? कर्ण तो यही है, पांच ज्ञान में पांच कर्म, इंद्रिय मन और बुद्धि अंतकरण चार ही है जी। तो कर्म में स्वतः हो बाबा स्वयं, अरे कर्म में शब्द नहीं सुना, कर्ण सापेक्ष शब्द नहीं सुना, ये तो सुनने से ही सीखो, ये तो सुनकर ही सीखो, बिना सुना नहीं सीख सकते। कोई कोई समझेगा,
कोई कोई सुनते भी नहीं समझता ना, दो कर उत्तीस को सुन जैसे नहीं, कोई कोई नहीं सुनता, ये बात नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। श्रुत्वा पेन वेदन से वो कस्तित्व का अर्थ है कि सुनकर वो कोई नहीं जानता, शांत स्वयं ही सुनकर नहीं जानता, सुनकर कोई नहीं जानता, कोई जानता है तो वो कोई जानता, बात अलग है। श्रुत्वा पेनम वेदन से व कस्तित कस्तित श्रुत्वा भी एनम न वेद, सुन के भी कोई नहीं जानता, जानेगा स्वयं ही, सुनकर नहीं जानेगा। आप बताओ मिस्त्री का स्वाद कोई सुनकर सीखता है, बताओ भूख किसी को सुनकर लगती है, प्यास किसी को सुनकर लगती है, टट्टी पेशाब सुनकर के जाते हो, आपका ख्याल नहीं जाता कर्म निवेश निवेश आ गए, इसका विवेचन नहीं हो सकता, समझ नहीं सकते, परंतु इनके बिना होता है क्रिया होती है, ये सीखना नहीं होता, कर्म सापेक्ष है कर्म निरपेक्ष है, ये है ये सीखना पड़ता, सीखने से बातें ज्यादा आ जाती। जब कभी अपने जानोगे तो स्वयं ही जानोगे, किसी के द्वारा नहीं। आपको तो हिसाब आता है ना, पर ये बता सकते हो गुरुजी ने कौन से अंक बल लग करके आपको जोर सिखाई, बता दो नहीं? तो ये सुन करके नहीं जानता, जोर सीखिए तो उन अक्षरों को नहीं जानता, उन अक्षरों को जोड़ने का तरीका एक सुनाया आपने, वो आपने सीख लिया, अब अक्षर की जरूरत नहीं, तो जरूरत है खुद ही एक अक्षर लिखे सा ये अक्षर लिखे फिर जोड़ बताई, कोई बता सकता इतने बैठे दिन में महादेव पढ़ने में जोड़ तो लगा ही देगा, तरीका बस इतनी बात है, पर वो तरीका आप में है, होते हुए तरीकों को जागृत करना, हाँ वो विद्या आप में है, उसको सुनने से जागृत कर दी, अब सारे भावों अब जरूरत नहीं, अब अक्षरों की अंकों की सुनने की जरूरत नहीं, ऐसे वो परमात्मा तत्व है, सुनकर कोई नहीं जानता, सुन करके उसे बैठा है तो तरीका सुन करके उसमें हासिल कर लेते हैं। हम बातें बताते हैं कर्ण निरपेक्ष बात कहते हैं कि नहीं, तो कर्ण निरपेक्ष है क्या, कर्ण निरपेक्ष कहना और सुनना कर्ण निरपेक्ष है, चंद्र साका चंद्र न्याय बताया वो देखो, ओ उस टाइम नहीं पड़ता, देखो यहाँ 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 उस टहनी पर चंद्रमा है, वो टहनी पर चंद्रमा है पर जान जाता है, तो वो बताना भी कर्ण निरपेक्ष हुआ, वो कर्ण पर निरपेक्ष वो पीछे है, बताना तो कर्ण सापेक्ष हुआ, कहना सुनना सुनाना तो लक्ष्य है, चंद्रमा को नहीं बता सकता कोई, वो तो स्वयं देखेगा और बता देगा, तो इशारा करना है सारे ये बोले ये बात ठीक समझते, अब जो सीख गए अब सीख गए तरीका थोड़ा बता दिया, तो बताना सीखना थोड़ी सीखोगे, जब स्वयं देखोगे तो सीखोगे, जोड़ केवल सुनने से केवल कहने से नहीं सीखता, स्वयं उसमें प्रवेश होगा तब सीखेगा, या जो महिमा है वो किस बात में, वो महिमा यहाँ है कि सूत्र को फट दिला दिया, इसने है जिस चीज को सब बता दिया, महापुरुष घर से कुछ नहीं देते, गाय की बात कहते हैं गाय होगी बीमार, वैद्य के पास गया कहते हैं वो पाव पर काली मिर्च दे दो और रात से घी दे दो,
कर्म दे दी गाय को दूंगी नहीं पाप की समाप्त ही है, दो दिन में तो घर से घी हो जाएगा। भाई वो पीने का तो संत महात्मा यूं करते है, गाय कहेगी और गाय को पिलाने और कुछ नहीं, अपने घर से कह दिया उसी की बात, जैसे तेरे को बताया कि मैं हूं ये कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष बताओ। अभी तक आप ध्यान दिए, वो ध्यान नहीं दिया ध्यान देना मित्र, और बाबा जी कहने बात कुछ नहीं, वो चेत हो गया मुझे सबके रची हुई एक ही मैंने कैसे होगा। अरे करने से तो प्रकृति का साथ लेना पड़ेगा, तत्व है प्रकृति से अतीत, तो क्या करो अब बताओ आपके पास कर्ण की, कर्ण में जो आदत है विपरीत तरने की, उस आदत को ठीक अनुकूल चलने की बनानी है, फिर जाने ऊंचा मत चलो सुंदर चलो ठीक हो जाएगा, मौज होगी। सत्संग करने वालों में न करने वालों की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है, वो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, इतनी विलक्षणता ये नहीं बता सकते, विलक्षणता दिखती है कुछ नहीं दिखती। सत्संग इतने वर्षों करते कि कौन क्या होगा, ये थे आप जानते नहीं वही क्या नहीं है विलक्षणता है जी। आप में जो फर्क पड़े खुद में वो भी नहीं बताया जा सकता, कैसे बताओ बताओ? मैं वो मिर्ची जो मिठास नहीं बता सकते जो जीव का विषय है, अब प्रकृति से अत्यत तत्व है उसको कैसे बता, इशारा है। अरे बात बताई नहीं जा सकती, स्वयं ही जानेगा वो, जानने का तरीका बता देगा इस स्थिति से उस स्थिति तक जाएगा, बदन जान जाने का रास्ता कैसे बता देंगे, परंतु जाकर देखेगा तो और तरह निकलेगा। मन कैसे जा तो पहुंच जाएगा ठीक, संसार के जितने काम है वो योग्यता से होते हैं, यही अपने मन में बना रखी है कि विद्वान हुए पढ़े शास्त्र पढ़े इतनी योग्यता हो जो परमात्मा प्राप्ति हुई, योग्यता से प्राप्ति नहीं होती, योग्यता से अयोग्यों के ऊपर शासन करने की शक्ति आ जाती है, पढ़े लिखे की अपढ़ आदमियों के ऊपर शासन करने शक्ति आ जाएगी, पर भगवान तो पढ़े लिखे भी है सब बलवान, उनके ऊपर कैसे कब्जा हो जाएगा, इनके द्वारा अपने द्वारा हो जाएगा। जैसे नन्ना सा बालक माँ पर कब्जा रखता है, माँ सब चाहे सो करा ले तो बलपूर्व करा ले, बल है ताकत है माँ का है, ऐसे राम जी का हो जाए तो राम जी वहां से आगे नाचना पड़ेगा, ये है माँ एकम शरणम भर गया। बच्चे का जो माँ पर अधिकार है हाँ जी, वो कोई कर्ण की अपेक्षा माँ का मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ बड़ी बलवती है बड़ी अवस्था में, बच्चा छोटा सा है बलवान भी नहीं है, माँ के ऊपर अधिकार है। ये साधन है भगवान मेरा है, तो कब है भगवान एक बाण करुणा, एक बाण है भगवान की सो प्रिय जाके गति नान की, वो थोड़ा बिल्कुल अनजान है पर माँ एक कोई कहते है, अरे वो कहते माँ सो प्रिय जाके गति नान की,
आप क्रियाओं का सहारा लेते हो, ये गलती होती। कितने गहने कपड़े बढ़िया हो, कितने सुंदर हो, कैसे हो, माँ के नाम कहा जा रही, बड़ी सुंदर है, स्वभाव बड़ा अच्छा है, धनवती है, देख गहना कपड़ा कितना है इसकी, बढ़िया माँ के नाम। बच्चे को सुंदरता है तो ध्यान ही नहीं, सुंदर और गहरा और कपड़ा ख्याल ही को नहीं, ये बात है। वो अपनापन भगवान में हो, प्रत्येक आत्मा से अपनापन कर्म सापेक्ष हो रही है, कारण सापेक्ष नहीं, अपनापन ठेठ भीतर से खुद से है, ये कर्म सापेक्ष नहीं, कर्म निरपेक्ष अपना। बोलो, अब इसका नाम कर्म सापेक्ष है, कर्म निरपेक्ष, ये बात है जानने से, सुनने से ऐठला है, कुछ नहीं हिसाब है। कर्मयोग से कैसे कर्म कर्मयोग में, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग ना दूसरे की सहायता कर देना, जो करते हैं उनकी सहायता कर देना, अपने से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, पद से, अधिकार से दूसरे की सहायता कर देना, तो मेरी कल्याण चीज का सबका प्रवाह संसार तक हो जाएगा, तो पीछे है जो रह जाएगा कर्ण निरपेक्ष। कर्म हुआ कर्म सापेक्ष, योग हुआ निरपेक्ष। हमारी कई सीखी हुई बात मैं फिर तो महाराज जी वो याद आ गई, आप फरमाते हैं कि आदमी बीमार पड़ा पड़ा भी दूसरे का हित कैसे, इसमें क्या कर्म सापेक्षता हुई, वो पड़ा है बिल्कुल, कर कुछ सकता नहीं भीतर में ऐसे कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये ठेठ भीतर से खुद से है, ये कर्म से नहीं है, उसका जो प्रभाव है वो पदार्थों से रुपये महसूस नहीं है। आज भैया रुपयों पैसों का ही महत्व है, इस बात से भी कैसे समझे, वे समझ नहीं सकते, वे समझते हैं कि इतनी मेहनत करे, इतना सत्संग सुनावे, पैदा कुछ नहीं, ऐसा भी मूर्ख होगा, समय लगावे, माथा लगावे, पैदा कुछ नहीं, बोलो कोई मूर्ख था कि नहीं, उस अटकल से लगा हुआ कोई मकुम कूक शेठ जी ने ऐसा तरीका बनाया हमारा, ये पाटो पर बैठे हम गोते नीचे बैठे रेते में बैठा, रेते में बैठे रेते में सुना, सुनाने वाले के लिए आसन भी नहीं, सुनाने वाले के लिए आसन भी नहीं, सुनाने का आसन भी नहीं, पाटो भी नहीं, कुछ नहीं, अब सुखी शिला कुर सट अलोई प्रशंसा कर क्या दे, प्रशंसा है कर ही कितनी करेगा, करके प्रशंसा कितनी करेगा, नया तरीका है, हानि करा निरपेक्ष बताओ,
ऐसा मकान यू बना दिया, यू बना दिया। गीता भवन के गीता प्रेस ऋषि बोल सेठ जी को प्रभाव भाया देते बड़े बड़े निकले अरे निकले नहीं है, मैं तो जानो को नहीं बोलो सेठ दृष्ट कौन जाने सेठ हो जाने भगवान जानते ऐसे निराले सेठ हो वैसा ही बिरला जानता ऐसी कोई साफ को दिया अरे बाबा जयंती जी के सामने सेठ जी का प्रभाव की माता हमारी प्रभाव क्या कुछ भी नहीं आती प्रभाव कह नहीं सकते प्रभाव वो देख लो वो तमाशा देखो गंगा जी पर बड़के आपके जितने हुए गंगा जी पर एक रात रह गया तीन रात रह गया तो बस गंगा वासी एक बार आज डूबकी चला गया सब गांव वाले आनंद वाले गंगा वासी आए गंगा जय गंगा मैया की जय गंगा मैया की गंगा वासी आए गंगा वासी आए हमारे को पूछते दो दो तीन दिन में ही ना रहे गंगा जी पर दो दो तीन दिन में ना रहे ईश्वर का प्रभाव देखो गंगा जी गिरानों का बैठना गंगा जी का जल पीना गंगा जी पिए हुए वृक्षों की छाया में रहना ये सब गंगावासी है गंगा जी में फूल खाते प्रति वर्ष फूल गंगा जी में खा लीजिए प्रति वर्ष पत्ता गंगा जी में जाओ बोल गंगा जी में फूल खाते कल्याण भाई के नहीं अरे प्रति वर्ष गंगा जी में फूल जाओ इनका सबका फूल आप भी जाओ पहाड़ों में रहने वाले भारत सबका फूल गंगा जी कितने पंडशाली हमारा तो दान टूट गया लोग ले लो भाई गंगा जी घाल दो जीते जीते गंगा जी फूल घाल दो बस कोई गाल है नहीं गाल है तो मान तो जीव तो जीव गाल दे जो को अपने तो सेठ है गंगा जी पर लाकर बैठा दिया गंगा जल पियो गंगा में नहाओ नारायण 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 नारायण